व्हाट्स अप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो है शुक्र खाना नंबर तीन में, विनस इन योर थर्ड हाउस। जब शुक्र आपके खाना नंबर तीन में होता है, खाना नंबर तीन मींस लाल किताब के अकॉर्डिंग 1941 के, तो क्या उसके फल मिलते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कुंडली है जिसमें जो शुक्र है वो खाना नंबर तीन में है, तो इसकी विवेचना हम करेंगे। तो विवेचना की गई है लाल किताब 1941 की पंक्तियों से। पंडित जी ने सबसे पहले आशिया बोल्ड लेटर्स में जो लिखे हैं शुक्र तीन के बारे में, शादी सती या सत्यवान औरत। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा एक अलग से वीडियो आता है, देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम इन आशियों को डिकोड करते हैं गहराई में, इन पे वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट आगे पंक्तियों पे चलते हैं। तो दोस्तों, पंडित जी यहाँ पर लिखते हैं शुक्र गर्जब तीजे आवे, औरत बीवा मर्द कहावे। दोस्तों, जो थर्ड हाउस है, तीसरा घर, वो हमारे भाई बहन है, हमारा पराक्रम है, हमारे बाजू हैं, हमारी नियर एंड डियर्स के साथ इंटरेक्शन है, हमारे नेबर्स हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि चाहे किसी की पत्नी जितनी मर्जी शाई नेचर की हो, अच्छी हो, झगड़ालू ना हो, मीन्स की बड़ी काम रहने वाली हो, किसी की भी औरत ऐसी लाइफ में अगर सिचुएशन आए कि उसके हस्बैंड पे कोई उंगली उठा रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो, तो वो औरत झांसी की रानी बन जाती है। तो सेम कंडीशन ही शुक्र की होती है, शुक्र जब खाना नंबर तीन में आता है। जब शुक्र खाना नंबर तीन में आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल की एनर्जी है, पराक्रम का घर है, तो शुक्र खुद ब खुद बोल्ड हो जाता है। और पंडित जी ने कहा है कि स्त्री ग्रह यहाँ पर मर्द का रूप ले लेते हैं, यानी कि अब वो शुक्र जो है, जो गाय थी, अब खाना नंबर तीन में आके वो शुक्र अब बैल का रूप ले लिया है उसने। इसका मतलब ये नहीं कि अब उसका सेक्स चेंज हो जाएगा, मींस कि उसकी क्वालिटीज बताई हैं कि वह अब इस तरह का बिहेव करेगी। जैसे कि मैंने बताया कि मान ले, फर्ज करें आप कहीं मार्केट में हैं और आप ने देखा कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, और जो वाइफ है नॉर्मली बहुत शाई है, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करती, काम रहती है, पर उस टाइम उसके हस्बैंड पर दो चार बंदे कुछ बोल रहे हैं, कुछ वो फंस गया है बेचारा, तो पत्नी कोई भी हो, वो उस टाइम एक झांसी की रानी बनकर उसकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो यही सब आप, क्योंकि पराक्रम का घर है यहाँ पर, जब शुक्र आता है तो वो अपने हस्बैंड को, पार्टनर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसमें मंगल की क्वालिटीज कहीं ना कहीं तरह से आ जाती हैं। दूसरी बात दोस्तों, तीसरा घर भाई बंधुओं का घर है, तो शुक्र जब भी थर्ड हाउस में आता है, ऐसे जातक को चाहिए कि पत्नी के साथ भाइयों की तरह रहे। भाइयों की तरह रहने का मतलब ये नहीं कि उसको भाई समझे, मींस कि जिस तरह दो भाई जिनमें आपस में बहुत पिटती है, बनती है, वो आपस में हर बात शेयर करते हैं, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, अपना सुख दुख पूर्ण तय शेयर करते हैं, और जहाँ कभी भी जाना हो इकट्ठा जाते हैं। तो पंडित जी ने कहा है कि ऐसे जातक की स्त्री जैसे कि दो बैलों की जोड़ी होती है, एक दूसरे को सपोर्ट कर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर, बाजू है तो कंधा भी चलो ले लें, कंधे भी थर्ड हाउस है तो कंधे के साथ कंधा मिलाकर हेल्प करने वाली पत्नी ऐसे जातक की होती है। पर उसकी कंडीशंस क्या है, ऐसे जातक को उसके साथ व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि उसको अपना पत्नी नहीं, उसको अपनी फ्रेंड या गर्ल फ्रेंड समझे। जैसे कि हम गर्ल फ्रेंड के साथ हर तरह की बात करते हैं, अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ हर तरह सुख दुख की बात करते हैं, कोई पर्दा नहीं होता, वो ये नहीं होता कि मैं हूँ, तुम हो, मैं पति हूँ, तुम पत्नी हो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक सोलमेट टाइप का रिलेशन होना चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं शुक्र घर जब तीजे आवे, औरत बीवा मर्द कहावे। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि औरत वहां पर मर्द कैसे कहावेगी। पंडित जी आगे बोलते हैं शुक्र बैल तो चंदर साधु, मर्द बढ़ेंगे तो बढ़ेगी आज। तो शुक्र बैल तो चंद्र साधु, ये लाइन सेम लाइन खान जब हमने चंद्र किया था तब यूज की थी। तो पंडित जी ने कहा कि थर्ड हाउस में आकर जो शुक्र है वो बैल का रूप ले लेता है और चंद्र जो है वो साधु का रूप ले लेता है। दोस्तों एक और बात, बीवी पे बात की, माँ की, किसी बच्चे की माँ जो मर्जी धार्मिक हो, कभी किसी पे हाथ ना उठाया हो, बड़ी शांत रहती हो,
लड़ाई झगड़ा ना करती हो, पर एक माँ जब देखेगी कि उसके बच्चे पर कष्ट आ रहा है तो वो माँ एक विकराल, वो माँ एक माँ काली का रूप धारण कर लेगी, एक विकराल रूप धारण कर लेगी। अगर आपने माँ काली सीरियस सीरियल देखा है कलर्स पे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चंद्र जब आता है तो वो साधु का रूप ले लेता है, तो शुक्र बैल का रूप ले लेता है। आगे पंडित जी कहते हैं मर्द बढ़ेगी तो बढ़ेगी आयु। दोस्तों मैंने बताया था थर्ड हाउस जो है वो लॉसेस का घर है, इलेवंथ हाउस अगर प्रॉफिट का है तो थर्ड हाउस लॉसेस का मानते हैं। तो पंडित जी ने भी कहा है कि यहाँ पर जो है थर्ड हाउस में, तो ऐसे जातक के अगर मान लें कि सिंपल सी बात है, ये पराक्रम का घर है, और अगर वहां पर शुक्र आ गया है, शुक्र आ गया, चंद्र आ गया, दो ही स्त्री ग्रह है। अब स्त्रियों को अगर मर्द की सपोर्ट नहीं मिलेगी घर में, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक बेचारी अकेली अबला नारी क्या कर सकती है। शक्ति भी शिव के पास हो तो अच्छी लगती है। जो दुर्गा है उसकी जैसे शेर, उसकी जो सवारी जैसे शेर होता है, वैसे ही शक्ति को यूज करने वाला, प्रयोग करने वाला कोई ना कोई शक्ति का इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ सम है, कई मित्र भी बोलते हैं। तो बुध तो एक तरह का, पंडित जी ने लाल किताब में निपुंसक या जिसको बोलते हैं कि मिडिल सेक्सुअल, वो बताया है। तो मंगल क्या है, एक मेल है, सेनापति है। तो दोस्तों किसी भी जब पराक्रम हो तो किसी देश का शुक्र यहाँ पर उस देश की, ये कह लें कि उस देश की मान प्रतिष्ठा संपत्ति है, शान शौकत है तीसरे घर में एक तरह का शुक्र। तो किसी भी अगर देश का हमने पराक्रम देखना हो तो हम ये देखते हैं कि उस देश की फौज कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है, और फौज हमेशा देखी जाती है मेल मेंबर्स की। तो मंगल है तीसरे घर में, तो यानी कि शुक्र यहाँ पर अच्छा होगा, माया बढ़ेगी, सूक्ष्म संपत्ति मिलेगी। अगर किस कंडीशन पर, अगर उस घर में मर्दों की तादाद बढ़ेगी तो आयु भी बढ़ेगी, मीन्स की सुख संपत्ति आयु भी बढ़ेगी। तो क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस का जो फाउंडेशन है, थर्ड हाउस का बेस जो है वो सेवंथ हाउस है और इलेवंथ हाउस है। इलेवंथ हाउस जो है सोर्स ऑफ इनकम है। तो सेवंथ हाउस जो क्या है, वो पार्टनरशिप है। तो अगर पार्टनरशिप होती जाएगी, मीन्स की शादी होगी, बच्चे हुए, आगे बच्चे जो है वो मेल चाइल्ड हुए, तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा फल मिलेगा। आगे पंडित जी कहते हैं मंगल बद मंगलिक ना होगा, शिवजी होके दया करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है, थर्ड हाउस की जो फाउंडेशन है, जो बेस है, बुनियाद है जिसको बोलते हैं, वो फिफ्थ हाउस जो बनता है वो सेवंथ हाउस बनता है। कुंडली का सेवंथ हाउस, तीसरे घर से पांचवा घर जो बनता है, कुंडली का सेवंथ हाउस बनता है, जो कि शादी का घर है, पत्नी का घर है, पार्टनर का घर है। तो यहाँ पर शुक्र थर्ड हाउस में बैठकर कोशिश करेगा कि उसको ठीक रखने की, यानी कि मंगल बद, खुद शुक्र मंगल कई घर में बैठा है, बुध की जमीन मंगल का घर लाल किताब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि ठीक रहे। तो ऐसा जाता है कि अगर मंगल बद भी हुआ या मंगलिक भी हुआ तो इतना ज़्यादा उसको नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे, शिवजी होके दया करेगा, मीन्स की यहाँ पर उसके जो इफेक्ट्स हैं वो इतने बुरे प्रभाव, ये सेम लाइंस जो हैं वो चंद्र के समय पर भी यूज की गई हैं। आगे पंडित जी ने कहा स्त्रियों की भी पूजा होगी, घर ना होगी, चोरी ना होगी। तो जैसे मैंने बताया सेम लाइंस चंद्र के टाइम पर यूज की गई हैं, तो यहाँ पर स्त्रियों की पूजा होगी कि ऐसे में ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि अगर स्त्री घर के लिए कुछ कर रही है, मर्द की तरह कंधे से कंधा मिलाकर कर रही, तो उसको क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। क्योंकि शुक्र तीन में ऐसे जाता है कि जो स्त्री होती है वो अपने पति को बहुत प्रेम, बहुत स्नेह करती है। पंडित जी ने कहा सत्यवान औरत, मीन्स कि उसके लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, और उसका साथ बिल्कुल ही एक साथी की तरह देती है, हम सफर की तरह देती है, एक दोस्त की तरह देखती है, एक भाई की तरह देखती है। तो डेफिनेटली उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। तो ऐसे जातक को चाहिए कि अपनी पत्नी को मान सम्मान करे, उसकी पूर्णतः रिस्पेक्ट करे, उसको गाली गलौज
किसी के सामने खासकर ना करे, उसकी बेइज्जती, उसको जलील ना करे किसी भी तरह से। तो मोस्टली देखा गया कि ऐसा जातक ऐसा ही करता है कि उसकी बीवी चाहे जितना मर्जी उसके लिए कर रही है, वो जरा सी बात पर सब्जी कैसे बनाई है, ये कैसे किया है, रोटी गोल नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसी चीज देखी गई है। तो वो चीज ना करे, घर ना होगी, चोरी ना होगी। तो लॉसिस का घर है थर्ड हाउस, तो यहाँ पर अब जो है नरक ग्रह बैठे हैं, चोरी ना होगी। दोस्तों इसका मेन रीजन जो शायद मैं जब चंद्र किया था बता नहीं पाया, तो चोरी ना होगी, क्यों ना होगी, जो पुराने जमाने में या जो चोरी होती थी वो कब कब होती है, अंधकार में होती है, अंधेरे में होती है। चोर कब निकलते हैं, रात को, और रात के मालिक कौन है? देखिए वैसे तो शनि रात का मालिक कहा गया है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो शनि के अंधेरे में रोशनी डाल के खराब करता है, पर एक तरह से जो चंद्रमा में है वो भी रात का कारक है। अगर दूसरी तरफ से देखें तो अगर सूर्य जो है अंधकार का जो काम है वो शनि का है, हम ये नहीं रात का सिंपल रात की बात करें, तो दिन का मालिक सूर्य हो गया, रात का मालिक चंद्रमा हो गया, और चांदनी रात जो है चंद्र की है, और अमावस की रात जो है वो शुक्र की रात मानी जाती है, या नाइट टाइम जो होता है रोमांटिक टाइम या जो भी है वो शुक्र के साथ रिलेटेड है, नाइट टाइम है। तो इसमें पर्सन अपनी पार्टनर के साथ, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो अब ये स्त्री ग्रह थर्ड हाउस में एक्टिवेटेड है, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। और वैसे भी ऐसे जातकों को आदत होती है कि जैसे मैंने बताया था चंद्र तीन के समय कि ऐसे जातक जो होते हैं अपने लॉक्स दोबारा बार बार चेक करते हैं, उनको ये डर लगा रहता है कि चोरी ना हो जाए, हर चीज़ प्रोटेक्ट रखते हैं। उनकी पत्नी की आदत होगी कि ताले चेक करेगी, मोस्टली उनमें नहीं होगी तो उनकी वाइफ में होगी, घर से निकलने के बाद दोबारा लॉक चेक करना, गाड़ी का लॉक चेक करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो गाड़ी कहीं पे पार्क करेंगे तो गाड़ी, वो बंदा भूल जाएगा कि गाड़ी लॉक नहीं है, तो वो चलने लग पड़ेंगे और पत्नी रुकेगी उसे कि यार चेक करें गाड़ी लॉक नहीं की आपने, तो वो गाड़ी लॉक करेगा दोबारा, या गाड़ी का दरवाज़ा ठीक तरह से बंद नहीं हुआ तो दोबारा चेक करेगी वो। तो इस तरह से काफ़ी जो औरत होती है उसकी वो बड़ी प्रोटेक्टिव नेचर की होगी। और ये शुक्र तीन का जो बेसिक पंडित जी ने समझाने की बात की है। दोस्तों जो जो मेरी समझ में आया है पंक्तियों के थ्रू वो मैं आपके साथ हमेशा ही डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जब भी कोई किताब पढ़ते हैं हर बंदा हर अलग एंगल से चीज़ को सोचता है। लाल किताब तो है ही गैबी किताब, कई बार हम ही वो उसी लाइनों को दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ और मतलब नज़र आता है, तो इसे बार बार पढ़ना चाहिए, पंडित जी ने भी कहा है, और हर एंगल से इसको घुमा कर देखना चाहिए। ये एक समंदर की तरह है, जब भी आप डुबकी लगाएंगे, जितनी गहरी लगाएंगे, कुछ ना कुछ मोती, कुछ नई चीज़ आपके हाथ आएगी। ये गैबी किताब है। तो आगे चलते हैं समरी में, ब्रीफ समरी में पंडित जी लिखते हैं, मीन्स की मेरी ब्रीफ समरी है, पर पंडित जी ने इसको ब्रीफ समरी नहीं डिटेल में लिखा है, तो वैसे हमेशा ब्रीफ समरी में लिखता। तो यहाँ पर लिखा है, अब शुक्र का खाना नंबर 9 पर कोई बुरा असर ना होगा, बल्कि पित्त रेखा का उत्तम और नेक फल का साथ होगा। यानी कि अब शुक्र जो है उसके जो 9th हाउस है वो बृहस्पति का, उसके शत्रु का घर है, पर फिर भी शुक्र यहाँ पर बैठकर उसको ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो औरत है वो किस्मत भी मानी गई है। तो कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो भी चीज़ है। पर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जब मैंने देखी है, प्रैक्टिकली देखा है, अगर शुक्र 3 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 9 में आ जाए तो यहाँ पर शुक्र का फल भी मंदा हो जाएगा और बृहस्पति का फल भी मंदा हो जाएगा, दोनों का फल रद्दी हो जाता है। ऐसे जातक के मल्टीपल मैरिजेस होती हैं, मैरिज लाइफ स्टेबल नहीं होती, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, बड़े बुजुर्गों की मान सम्मान की हानि होती है। ये चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं। आगे पंडित जी कहते हैं, पर लड़कियों के हाथों और ताल्लुक में इसका धन बर्बाद होगा और ना ही अपने बनाए मकान का आराम होगा। दोस्तों लड़कियों के ताल्लुक मीन्स की गर्लफ्रेंड के चक्कर, लड़कियां मीन्स की बेटियां नहीं बोली यहाँ पर, कि अगर ऐसा जातक, क्योंकि वो मोस्टली आउट ऑफ द बॉक्स अफेयर बनाने की कोशिश करता है, मीन्स की शादी होने के बावजूद ऐसा जातक बाहर देखता है लड़कियों को, लड़कियों के साथ मुलाकात, थर्ड हाउस जो है वो इंटरेक्शंस है, तो वर्क प्लेस पे ऐसे जातक के कुछ ना कुछ लड़कियां खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाती है। थर्ड हाउस में जब शुक्र हो तो ऐसा जातक क्यूट होता है, उसका चेहरा बड़ा क्यूट होगा, गोल सा चेहरा होगा या क्यूट चेहरा होगा उसका, और उसकी स्माइल बड़ी अच्छी होगी। और ऐसे जातक भी मोस्टली ऑपोजिट सेक्स जो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होगा,
बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे जाते का वर्क प्लेस पे या वैसे कुछ ना कुछ उसका ये सीन बन जाता है, या नेबर में, गवांड में, नेबर में उसका पंजाबी जी कहना गुआढ़ी ना, तो गुआढ़िया ना चक्कर चल जाता। तो ऐसा कुछ हो जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए, उसका पैसा धन बर्बाद होगा, मैरिड लाइफ भी खराब होगी। पंडित जी ने कहा अपने बनाए मकान का आराम ना होगा, मीन्स कि अगर ये जातक अपने हाथों मकान बना ले, अपनी कमाई से मकान बना ले, तो उसका आराम सुख इसको नहीं मिलेगा। बुध और मंगल तीसरे घर में मिलके एक शनि का निर्माण करते हैं, जो कि एक अच्छा शनि नहीं होता, तो मकान का कारक शनि है। और यहाँ पर जब शुक्र बैठ जाएगा तो शुक्र क्या है, लग्जरी है, आराम है, सुख है। तो यहाँ पर अगर वो अपने हाथों से मकान बना लेगा तो उसको उतना आराम नहीं मिलेगा, उस चीज़ का इतना आराम नहीं मिलेगा, लाइफ में भागदौड़ लग जाएगी। अगर होगा तो खाऊ मर्दों से वो घर वीरान होगा। खाऊ मर्दों आप समझते हैं कि मीन्स की सेल्फिश पीपल, उसके भाई बंधु या उसके बेटे ऐसे निकलेंगे कि चलो बाप ने बना दिया हमने तो कुछ करना ही, चलो खाए पियो ऐश करो मित्र। और एक दफ़ा उजड़ा हुआ ना फिर कभी आबाद होगा। और अगर यहाँ पर बुरा हो जाए, खराब हो जाए, तो क्योंकि यहाँ पर राहगी उच्च की एनर्जी भी है, तो फिर वो जो उसकी जो ग्रस्त है वो एक जंगल की भांति होगा, क्योंकि तीसरे घर को जंगल भी बोला गया है। तो मर्दों से वो घर वीरान होगा, और एक दफ़ा उजड़ा हुआ फिर कभी बात होगा, तो सेम चीज़ वही घर ना, इस घर में चंद्र का साथ होगा, किस्मत बोली तो वहाँ रहने का मकान ही ना होगा। तो पंडित जी के कहने का मतलब है कि किस्मत भली तो वहाँ रहने का मकान ही ना होगा, मीन्स कि हो सकता है कि ऐसे जाता कि अगर किस्मत अच्छी हो, मीन्स कि शुक्र जो है ना था उसको पूर्णतः है उसका साथ दे, मीन्स कि ऐसे जाता लक्की हो, सब कुछ हो, जॉब हो, सारा कुछ हो, पर ऐसे जातक का अपना घर नहीं होगा, मीन्स कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, बड़ी गाड़ी है उसके पास, पर कहाँ रह रहा है, किराए के फ्लैट में। तो इस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज पंडित जी ने बनाई, या ये हो सकता है कि वो अपना मकान ना बनाए, वो कहाँ रह रहा है, पिता के घर में, पिता के बनाई हुई प्रॉपर्टी में रह रहा है, कुछ भी हो सकता है पंडित जी ने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली। तो आगे क्या कहा है, ये सब बुद्ध की 34 साल उम्र तक का हाल होगा, मीन्स पंडित जी ने कहा कि आफ्टर 34 जो है वो ठीक हो जाएगी कंडीशन, अगर ऐसी कुछ कंडीशन हो कि मकान ना बनने वाली या कुछ प्रॉब्लम्स वाली या उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली, तो आफ्टर 34 वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पर आगे पंडित जी ने कहा आखरन जगत गुरु बृहस्पति के दूसरे दौर पर प्रकट होते ही खुशहाल व फारिग उल बाल होगा। खुशहाल मीन्स की हैप्पी, फारिग उल बाल, फारिग मीन्स की फ्री हो जाना, जैसे बंदा कहता नहीं कि यार मैंने, जैसे बंदा कहता है मोस्टली बंदे ये बुजुर्ग बंदे कहते हैं यार धियां ब्याह लिया, मुंडे ब्याह ले, सब कुछ बना लिया, आप हूँ फ्री हाँ, मौजा करते पे, मौजा मानते पे। सॉरी दोस्तों मैं पंजाबी हूँ तो इसलिए पंजाबी बोलने का दिल करता है कभी कभी। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि ऐसा जातक मीन्स की सब कुछ जल्दी उम्र में सारा कुछ निकाल लेगा, घर का सब कुछ बना लेगा, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ सेट हो जाएगा उसका, बोले लाइफ सेट होगी यार, अब मैं ठीक है, अब मैं आराम करूँगा। तो मीन्स की ऐसे जातक अगर सब कुछ ठीक होगा तो लाइफ उसकी सेट बहुत जल्दी हो जाती है, पर मोस्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ में, हमारी कुंडली में कुछ ना कुछ ऊपर वाला, या हम कुछ अपने ही कर्म ऐसे गलत कर लेते हैं कि एक गेम बन जाती है और यही जिंदगी है, सब कुछ होते हुए भी वो चीज़ नहीं होती। तो हम खुद अपने कर्मों से या कुछ ना कुछ कुंडली के पूर्व जन्म के कर्मों से, किस्मत से, कि जैसे कि वो है ना सांप सीढ़ी का खेल, कि कहीं ना कहीं हम जब चाल चलते हैं तो सांप हमें डस ही लेता है और कहीं ना कहीं हमें सीढ़ी भी मिल जाती है, तो इसी को सांप सीढ़ी को ही लाइफ कहते हैं दोस्तों। तो चले शुक्र थर्ड हाउस में आज हमने कंप्लीट किया। तो मेरे जो पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब मैं बात करूंगा इसकी आशयों की तो उसमें ज़रूर डिस्कस करूंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।